2016 में इसको शुरू किया गया, तब कहा गया था इसमें नैनो चिप लगे हुए हैं, मतलब इसको जमीन के अंदर भी कितने फीट 150 फीट तक के आप डाल दोगे तो ऊपर भी वो चिप निकाल सेटेलाइट से पता चल जाएगा कि वो काला धन कहाँ है। और काला धन ख़त्म करने के लिए इसे लाया गया था, काला धन तो ख़त्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब ख़त्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इस अस्तित्व। तो ये बंद क्यों किया गया, आरबीआई क्या बताया है क्यों बंद किया गया, और इसे छापने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। उस समय 1000 के नोट 500 नोट को बंद किए थे, उस समय शासकीय धन का अपव्यय हुआ, अब बंद करना है तब अपव्यय हुआ। एक तरफ आप नोटबंदी करते हैं, फिर GST लाते हैं, फिर लॉकडाउन करते हैं, ये तमाम जो गतिविधियां हैं, नोटबंदी, GST, लॉकडाउन, अब फिर अब हो गया IT, ED, ये सब कारणों से देश के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, हजारों लाखों की तादाद में देश छोड़ के बाहर जाते हैं। भारत के करेंसी यही था भाई, शासन के क्या है, सत्ता के पास दंड है, करेंसी है, ये तो इसका प्रभाव है। अब करेंसी का भी विश्वास खत्म हो गया, अब 2000 चलेगा नहीं चलेगा, अब उसी सितंबर तक के आदमी उसी में लगे रहेंगे। 20,000 नोट ही आप बता सकते हैं, लेकिन एक आदमी कई बार जा सकता है एक ही दिन में, तो एक आदमी को लगाए रखो। खैर हमारे पास तो 2000 का नोट नहीं है, मुझे अभी तक की इतनी जानकारी है कि 25 तारीख को शाम को बैठक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे जी वो ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो अब चूँकि अब कर्नाटक के चुनाव समाप्त हो गए हैं, जो और राज्य हैं जिसमें तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ चुनाव होने वाले, उनके नेताओं से बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में होना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ। जी हाँ जी, भरोसे सम्मेलन में देखिए मैं तो राहुल जी और खड़गे जी को निमंत्रण दिया था, लेकिन दोनों व्यस्तता कारण से नहीं आ रहे हैं। राहुल जी तो शायद सिर पर मजदूर वगैरह जाएंगे, ऐसे मुझे जानकारी मिली, कन्फर्म नहीं, और खड़गे जी भी लगातार व्यस्त हैं, इस कारण से उसकी उपस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के सब सदस्य रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, विधायक रहेंगे सब। ठीक है, दक्षिण का एक महत्वपूर्ण प्रदेश कर्नाटक में आज सिद्धरमैया जी और DK शिवकुमार मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उसके साथ 8 और मंत्री शपथ ली, और इस शपथ ग्रहण में यहाँ खड़गे जी उपस्थित थे, राहुल जी, प्रियंका जी, शरद पवार जी, नीतीश कुमार जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कांग्रेस शासित चारों राज्य के मुख्यमंत्री सहित 3 जो हमारे गठबंधन की सरकार है, जिसमें तमिलनाडु है, झारखंड है, बिहार है, वो 3 मुख्यमंत्री उपस्थित थे। तो एक बड़ा संदेश कर्नाटक में बेंगलोर के स्टेडियम से निकला है, निश्चित रूप से इस जीत से जो हमारे कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जो दल हैं उसमें उत्साह का संचार हुआ, कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता जोश से भर गए हैं। देखिए ऐसा है कि लगातार जोड़ने की कोशिश हो रही है और लगातार प्रयास हो रहे हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, लेकिन इस जुड़ाव से जिनको तकलीफ हो रही है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अब उसको तो करने वाले से सवाल पूछा जाना चाहिए, आप उल्टा सवाल पूछते हो। हमारे पास आप ही होना
जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं, अभी जैसे कल मैं बताया ना कि धर्मलाल कौशिक वो पुराने वाले चाय गिलास को फोटो 5 साल बाद डाल दिए, आज रमन सिंह डाल दिया है वो चावल को लेकर, प्लास्टिक के चावल। अरे भैया ये केंद्र सरकार के आदेश से कर रहे हैं हम लोग 45 ड्राइव, पहले कोंडागांव के उसके बाद सभी जिलों में कर रहे हैं। तो ये लगता है रमन सिंह जब सपना अपना देखते हैं और कभी कभी वो मोदी जी से बड़े हो जाते हैं। अब ये योजना केंद्र सरकार की 45 ड्राइव मिलना चाहिए, उसमें कमेंट डाले। अब इसमें नोट 2000 के नोट बंद किए उसका फायदा गिनाए भाई, क्या कारण है? RBI से हम पूछना चाहेंगे बंद क्यों किया आप? वैसे तो आपने छापना बंद कर दिया 2019 में, लेकिन अब आज 2023 है, अब अचानक इसको बंद करने का कारण क्या है? मतलब ये है कि आप अपने फैसले को 7 साल बाद बदल दिए रहे हैं, 16 में इसको लागू किए, आज 23 में बंद कर दिए। खुद का फैसला है ना, मतलब जैसे थूक के चाटना, मतलब क्यों बंद किए हैं आप? अब पूरा मीडिया बेंगलोर गया था, वहाँ मीडिया वाले पीछे 2000 का नोट बंद, अरे भैया बंद किए उससे पूछो नहीं क्यों बंद किए। सारे मीडिया वाले जितने ये ID ले घूम रहे हो वो RBI के जो गवर्नर है उसके पास जाना चाहिए, क्यों बंद किए? मतलब शासकीय धन का ऐसी दुरुपयोग करते हो, मतलब ये जो नोट छापने में कोई लेख लिखा है कि 1600-1700 करोड़ रुपये इसने खर्च हुए, ये तो देश के इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, देश का पैसा है। अब जब चाहे आप ख़त्म कर दोगे, जब चाहे आप चालू कर दोगे, अब कौन से नोट चालू करेंगे ये भी बता दे भाई, है कि ये उस तरफ जा रहा है कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ, डिजिटल कैश, या ये फिर क्या बोलते हैं उसको आजकल एक पैरेलल जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी और क्या क्या बोलते हैं बिटकॉइन, क्या क्या होता है ना, ये उधर तो नहीं ले जा रहे हैं, देश को धकेल तो नहीं रहे हैं। आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और सबने स्वागत किया है।